का माहौल चारों तरफ है, लेकिन इस नफरत की आग अब स्कूल में पहुंच चुकी है। और हमारे साथ मौजूद है पूरी फैक्ट फाइंडिंग की टीम। जहां आज हम लोग स्कूल में गए, वहां के लोगों से मिले, आसपास के लोगों से मिले, और वहां एक अलग ही तरह का माहौल था। हमारे साथ मौजूद हैं पूरी आरटीआई की टीम। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने किन किन तथ्यों को जाना, समझा, और अभी जो हालात हैं वो किस तरह के हालात हैं। तो सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, ये जो नफरत का माहौल अब स्कूलों तक पहुँच गया है, मतलब हमारे देश का भविष्य खतरे में है, आप उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से ये नफरत फैलाई जा रही है एक लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर, ये निसंदेह निंदनीय और आलोचना जितनी भी की जाए कम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली से दो सरकारें संचालित होती हैं, एक देश को चलाती है और एक दिल्ली सरकार को। तो इन दोनों की नाक के नीचे सरकारी स्कूल में मुस्लिम और हिंदू का फ़र्क पैदा करने के लिए छोटे छोटे मासूम बच्चों को अलग अलग क्लास में बिठाया गया। ये एक इस हिंदुस्तान की तारीख का मेरे ख्याल से पहला अध्याय होगा जो इस तरह से बच्चों को नफरत में बांटा गया। इसकी निंदा जितनी की जाए वो कम है। और हैरानी की बात यह है कि जुलाई से ये सिलसिला उस नगर निगम के स्कूल में जारी है। हमारे देश में स्टेट और सेंटर की दोनों की क्राइम ब्रांच, आईबी, एलआईयू, खुफिया तंत्र हुआ करते हैं, उन सब का काम शायद यही होता है कि वो इन तमाम चीज़ों पर निगरानी रखें। तो एक सवाल ये है कि वो निगरानी तंत्र क्या कर रहे थे? इतना हेट क्राइम जो कि लोगों को तोड़ता है, नफरत पैदा करता है, दिलों को जोड़ने की बजाय क्या कहते हैं, मदरसा या स्कूल या जो भी इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन का, वो बच्चों को तरबियत और तालीम के लिए है, वहाँ इस तरह से नफरत परोसी गई। तो निसंदेह ये जो कदम है बहुत ख़राब कदम है, और इसमें सरकार शामिल है। इसलिए भी सरकार शामिल है चूँकि वो सरकार के प्रोटेक्शन पर ही चल रहा है। इतना बड़ा काम कोई भी टीचर या कोई भी प्रिंसिपल नहीं कर सकता। और मैं ये चाहूँगा कि इसमें दिल्ली सरकार अपना राज धर्म निभाते हुए ऐसे इंस्टीट्यूशन और उस संचालक के ख़िलाफ़ FIR कराए, और अपनी निगरानी में स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के बयान दर्ज हों और मुकदमा दर्ज होकर जेल भेजा जाए उसको। हमारे साथ मौजूद राकेश भी हैं जो RTI एक्टिविस्ट भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि वहाँ का जब वहाँ के स्टाफ से मिले तो आपने किस तरह का माहौल वहाँ पर देखा? मैं सलीम भाई के बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये कहीं ना कहीं एक तरह से साजिश के तहत किया जा रहा है, क्योंकि एक प्रिंसिपल इंचार्ज जो कि जुलाई के महीने में आता है और वो अचानक सारे बच्चों को अलग अलग सेक्शन में धर्म के आधार पर कि मुस्लिम के बच्चे हैं तो फलाने सेक्शन में जाएंगे, हिंदू के बच्चे हैं तो फलाने सेक्शन में जाएंगे, और वो आते ही ये सारी चीज़ें करता है। टीचर्स की तरफ से आवाज़ भी उठाई जाती है। हमने देखा कि उस स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उसमें से सिर्फ एक ही टीचर नज़र आए जो कि मुस्लिम समुदाय से हैं, और जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्हीं टीचर को इन्होंने आगे किया डिफेंड करने के लिए, ताकि हम इन चीज़ों को ना उठा पाएँ कि भाई इस मामले में कहीं धार्मिक रंग नहीं दिया गया है या कुछ नहीं किया गया है। सरकार क्या कहे, ये तो नगर निगम का स्कूल है, तो नगर निगम को भी, खास करके उत्तरी दिल्ली नगर निगम का ये स्कूल देखने के बाद ऐसा लगा हमें कि इस स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर तो कुछ भी काम नहीं किया गया है। हमने देखा कि 750 बच्चों में सिर्फ 15 अध्यापक हैं, मतलब अगर रेशियो देखें PTR का तो वो 50 से ऊपर जा रहा है। उन चीज़ों पे ध्यान देने की बजाय यहाँ हिंदू मुस्लिम की चीज़ें और हिंदू मुस्लिमों के बीच कैसे नफरत फैलाया जाए उसकी बीज बोई जा रही थी। हालांकि मीडिया में आने के बाद अभी स्कूल वाले भी बोल रहे हैं कि हाँ, हमने सारे बच्चों को एक साथ कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया है, लेकिन इस मामले को शायद FIR दर्ज करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में ले जाने की ज़रूरत है। विभागीय प्रक्रिया या विभागीय लिपापोती से कुछ भी होने वाला नहीं है। विभागीय लिपापोती की बात की, आप लोगों से मिलने के बाद, पूरा सर्वेक्षण करने के बाद सिविल लाइंस भी पहुंचे, वहां के जो अधिकारी हैं उनका क्या नज़रिया रहा और उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो हम सिविल लाइंस अधिकारियों से मिलने गए थे, और उसका सीधा सीधा मकसद था कि अगर धर्म के नाम पर स्कूलों में इस तरह की राजनीति हो रही है छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ, तो सबसे बड़ा वो जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो तो है ही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपराधिक कार्रवाई भी होनी चाहिए, और इसके लिए पुलिस FIR होनी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि नफरत फैलाई जा रही है, एक साजिश के तहत फैलाई जा रही है। और चलिए उसमें कब तक क्या आएगा, लेकिन जब तक आप FIR दर्ज नहीं करेंगे तब तक दूसरे सबक नहीं ले पाएंगे। लोगों से जो बात की, लोग वहाँ का माहौल हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे हिंदू भाइयों से बात की, बहुत सारे मुस्लिम भाइयों से बात की, एक की भी जबान से कोई ऐसी मतलब ऐसी कोई कड़वाहट नज़र नहीं आई, बल्कि बहुत प्रेम, बहुत भाईचारा। और वो बल्कि हिंदू सारे कहने लगे हमें तो बड़ा शॉकिंग लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो कहीं कोई नफरत है नहीं, बेसिकली ये बीज बोए जाते हैं। और ये स्कूल, आप सोचिए कि अभी तक जो देश में नफरत का माहौल चल रहा है वो अब स्कूलों तक हम लेके आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? असल में यही तो हमें पता लगाना है। वो चाहे BJP हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तीनों का ये नैतिक कर्तव्य है। और इसीलिए सरकार को चाहिए, यहाँ देश में आपकी सरकार बैठे, दिल्ली में देश आपकी सरकार है, शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया साहब, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तलब किए हैं, तो उनका ये भी जिम्मेदारी है कि वो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो FIR के लिए कम से कम वो दिल्ली पुलिस को लेटर भेजें। वो देखते हैं दिल्ली पुलिस वो लिखती है नहीं लिखती, वो बात की बात है, लेकिन कम से कम उन्हें राजधर्म में तो नहीं कहूँगा मैं, बल्कि मैं कहूँगा कि लोगों के प्रति जो उनका वादा है, जो उनका धर्म है, जो सत्ता का धर्म है, वो उनको निभाते हुए चाहिए कि FIR के ऑर्डर करें। और बाकी माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ा अफसोस है कि स्कूल में जब हम बात करते हैं तो वहाँ बहुत बड़ी कोई साजिश शायद चल रही थी, शायद वो जल्दी निकल कर आ गई। लेकिन एक सवाल और है कि अभी तक जो ये आया है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखने में आई हमें, उसको भी थोड़ी सी और छानबीन करने की ज़रूरत है, कि जो बच्चों को मार्टीज़ का पैसा मिलता है, जो वर्दी किताबों का पैसा मिलता है, बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा कि हिंदू बच्चों को मिल गया है और मुस्लिम बच्चे अभी काफ़ी पीछे रह गए हैं, तो वो क्यों रह गए हैं? क्या ये जब बंटवारा होना शुरू हुआ तो इत्तिफाक से पीछे रह गए, या उसमें भी कोई साजिश है? और अगर वो है भी या नहीं, तो उस पे लिए भी एक सिर्फ इसी चश्मे से ना देखा जाए, बल्कि कई और चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है कि किस किस आधार पर ये भेदभाव हुआ, उसके क्या परिणाम निकल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है उषा गांगुली, जिनसे एक महिला की अगर बात करें, महिला और बच्चों के बीच का एक ऐसा कनेक्शन होता है कि वो बिना किसी चीज़ के जुड़ जाता है। तो उषा हमारे साथ वहाँ मौजूद थी, उन्होंने बच्चों से बातचीत की, उनसे वो माहौल को समझना चाहा। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, बीइंग अ लेडी, वो जो स्कूल में उन्होंने महसूस किया वो क्या था? तो आपने वो जो चीज़ें देखी वो किस तरह से आपने महसूस की? जो मैंने वहाँ देखा बहुत ही अमानवीय लगा। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें नहीं पता है कि हिंदू क्या और मुस्लिम क्या, और वो बच्चे बता रहे हैं कि हमें अलग अलग सेक्शन में बिठाया गया कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो। हमने घर जाकर भी पूछा, बच्चों ने बोला, तो पेरेंट्स ने भी उन्हें टाल दिया कि हम किस मजहब से मतलब ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस वजह से बच्चों के साथ बहुत बुरा लगा कि जो अभी अपने जीवन में कदम ही रख रहे हैं, उन्हें समाज के प्रति बहुत कुछ सीखना है और उन्हें ये गलत चीज़ें सिखाई जा रही हैं और गुमराह किए जा रहे हैं, जिससे उनका बचपन ही ख़त्म हो जाएगा, तो वो आगे अच्छे नागरिक या देशवासी बनकर नहीं उभर सकते। एक आखिरी सवाल सलीम बेग साहब, मैं आपसे लेना चाहूँगी, आप अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि आप वहाँ का पूरा देख के आ गए, समझ के आ गए माहौल को, अब आगे आप लोगों का फैक्ट फाइंडिंग टीम की एक पूरी रिपोर्ट होगी, और आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, इस फैक्ट फाइंडिंग टीम को रिपोर्ट को हम तैयार करा के मीडिया के सामने रखेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सामने रखेंगे, नेशनल माइनॉरिटी के सामने भी रखेंगे, और अगर हमें ये लगता है कि हम और आगे जाना है तो हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब देखे हुए हैं, हमारी आदत है वहाँ जाने की। लेकिन एज ए ह्यूमन बींग हम इस किरत की उस शिक्षा विभाग और उस स्कूल के उस नालायक प्रिंसिपल की ज़रूर आलोचना करेंगे, और चाहेंगे कि उसको जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है हमें, उसके तहत FIR लॉज हो और वो जेल जाए।